अगर तुम मेरी जरा सी भी सलामती चाहते हो ना बेटा, तुम मुकद्दस को इस घर में वापस ले आओ, मुझे सुकून मिल जाएगा। उसके होने से मुझे बहुत आसरा था। तुम भी ऑफिस चले जाते हो, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। पूरा दिन कैसे गुजरता है तुम्हें कुछ एहसास भी है उसका? तुमने उसको अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी में शामिल किया था ना बेटा, आज अपनी बहन की खुशियों के खातिर उससे समझौता कर लो, उसको इस घर में वापस ले आओ। मोहब्बत तेरे रास्ते में बहुत से मोड़ आएंगे, जहां हेलो, कैसे हैं भाजी? मैं तो ठीक हूं, मगर तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं तो मैं ठीक हूं आका जी। अरे बरखुरदार, अरे इतने अरसे में तुमने कभी मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन नहीं किया, लिहाजा जो कुछ कहना है जल्दी कहो। आका जी, मैं मुकद्दस को लेने आ रहा हूं, अगर आपको और मास को एतराज ना हो तो। अरे बेटा, मुझे क्या एतराज हो सकता है, आ जाओ भाई, तुम्हारी बीवी है, जब दिल चाहे आके ले जाओ। आप बस मास से बात कर लीजिएगा, मैं नहीं चाहता मेरे आने पर कोई तमाशा हो। ओ, नहीं नहीं नहीं, कोई तमाशा नहीं होगा, तुम आ जाओ। ठीक है अका जी, ओके, खुदा हाफिज। अरे ऐमन, ऐमन, जीते रहो बेटा। तुमने जो आज ये फैसला किया है ना, अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा बच्चा। चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खाओ। मैं खा लूँ। अच्छा बेटा।